हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौर। आज हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा किसी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करके और ट्राई करूंगा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको आप समझना चाहते हैं उसको मैं आसान भाषा में आपके तक पहुंचा पाऊं और आपको वो समझा पाऊं कि कैसे वो चीज़ होती है, अगर आप इंटरनली बात करें कैसे वो चीज़ की जाती है। तो इस वीडियो में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, पहली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम पुलिस की बात करें तो कैसे अपने फ़ोन नंबर्स को ट्रैक करती है, क्या वो GPS के थ्रू होता है या कोई और ऐसा तरीका है जिसके थ्रू वो किया जाता है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो में जरूर बन रहिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो ट्रैकिंग है फोन नंबर्स की वो कभी भी GPS के थ्रू नहीं की जाती है। जो ट्रैक किया जाता है वो फोन को नहीं किया जाता है बल्कि फोन नंबर को किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी GPS के थ्रू फोन नंबर की ट्रैकिंग नहीं होती है। फोन नंबर की ट्रैकिंग टावर्स के थ्रू और नेटवर्क्स के थ्रू होती है। जो GPS है फ्रेंड्स, GPS उसके लिए होता है अगर आप खुद अपने फ़ोन को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप GPS के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और बंदा, अगर कोई थर्ड पर्सन आपके फ़ोन को ट्रैक करना चाहता है तो आपकी परमिशंस उसको चाहिए, कोई ऐसी ऐप आपके फ़ोन में चाहिए जिसके थ्रू वो अपने फ़ोन को ट्रैक कर पाए। अब हम बात करते हैं कि पुलिस आपके फ़ोन नंबर्स के थ्रू कैसे उसको ट्रैक कर रही है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ मोड में है, सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ या एयरप्लेन मोड में है उस केस में भी पुलिस आपके फ़ोन को किसी भी केस में ट्रैक नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपका फ़ोन है ऑन और अगर आपके फ़ोन पर आ रहे हैं नेटवर्क फ्रेंड्स, तब पुलिस आपका फोन ट्रैक कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है और बहुत एक्यूरेटली भी कर सकती है। आप बहुत बार टीवी सीरियल्स या कुछ रियलिटी सीरियल्स में देखते होंगे कि फोन जो है वो एक्यूरेटली ट्रैक कर दिए जाते हैं और पुलिस जो है वो एकदम से पहुंच जाती है जहां भी फोन वो पड़ा होता है, एकदम से उस बंदे को पकड़ दिया जाता है। क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है फ्रेंड्स। आपका फोन, अगर आपके फोन पर नेटवर्क आ रहा है वो डेफिनेटली किसी टावर से आ रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ पुलिस की फ्रेंड्स, तो वहां पर उनके पास कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, ऐसी परमिशंस होती हैं कि वो डायरेक्टली सिस्टम से या डायरेक्टली कंपनी से उस इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं और वो पता लगा सकते हैं कि किस टावर से आपका फोन अभी कनेक्टेड है, कितनी दूरी से है टावर पर और किस सेक्टर में है। सेक्टर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फ्रेंड्स, जो टावर्स हैं उनमें आपको 3 सेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं जिसके मदद से आपका जो एरिया है जिसमें आपका फोन ट्रैक करना है वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, वो भी अगेन आपको डिस्टेंस पता चल गया, आपको एक टावर पता चल गया, स्टिल आपके पास काफ़ी सारा एरिया बच जाता है फ्रेंड्स। उसमें भी मैनुअल सर्चिंग करना इतना आसान नहीं रहता। इसके बाद आता है काम दूसरे और टावर्स का फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता दूं कि आपका फोन किसी भी टाइम पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टावर से कनेक्टेड हो। मैं दो अलग अलग सिम्स की बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स। इवन अगर आप एक सिम यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका एक ही सिम 2-3 टावर से नेटवर्क ले रहा हो। तो अगर आपका फोन 2 टावर से नेटवर्क ले रहा है, आप मान लीजिए एक टावर जो है वो यहां पर है, आपका फोन आपके पास यहां पर है, एक टावर इस तरफ कहीं पर है, अगर आप दोनों टावर्स की दूरी का पता लगा लें फ्रेंड्स कि कितनी दूरी पर दोनों टावर से आपका फोन है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत जो एरिया है, पहले आपको पूरा रेडियस में एक एरिया मिल रहा था जो कि बहुत बड़ा था, मैनुअल सर्चिंग बहुत मुश्किल थी, अब आपके पास है जो ओवरलैप कर रहा है एरिया जो कि बहुत कम एरिया होगा एज कंपेयर टू एक सिंगल टावर, उस एरिया में पुलिस जो है वो सर्च कर सकती है और वहां पर आपका फोन ट्रैक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलेशन की फ्रेंड्स। जो पुलिस यूज करती है जो मेथड, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आपका फोन किसी 3 टावर से कनेक्टेड है, अगर आपके फोन पर जो नेटवर्क आ रहे हैं वो किसी 3 टावर से आ रहे हैं फ्रेंड्स, उस केस में जो ट्रैकिंग है वो पिन पॉइंट हो सकती है, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो सकती है। आप मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर तीसरा टावर भी मेरे कोई पीछे यहां पर टावर हो जिससे मेरा फोन नेटवर्क दे रहा है, तो आपके पास एक एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिल जाता है फ्रेंड्स, एग्जैक्ट यहां पर आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो ये होती है ट्रैकिंग, ऐसे फोन नंबर्स को ट्रैक किया जाता है। मैं अगेन से आपको बता दूं फ्रेंड्स, GPS से कभी भी पुलिस फोन ट्रैक नहीं करती। उसके लिए आपके फोन में उसको एक ऐप चाहिए, उसको परमिशंस चाहिए कि वो उस GPS को यूज करके आपके फोन को ट्रैक कर पाए। तो यही था इस वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है। उसी के साथ अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव है आपके हमारी सीरीज के बारे में तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियो के लिए आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि किस टेक्नोलॉजी को मैं वहां पर एक्सप्लेन करूं, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को परस्यू करूं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए देखे आता रहूं, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा फ्रेंड्स। उसी के साथ ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।